أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین تمام تر انسانیت کو عطا کیا اس کا نام دین اسلام تھا. اگرچہ اس کے مختلف نام رکھے گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانیت کو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے. وہ کیا ہے؟ دین فطرت یعنی نیچرل جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو انسان کی اپنی قدرتی ضروریات ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتلایا جس کو دین کہا جاتا ہے. شاید آپ میں سے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی سر پر امامہ باندھ لے، چہرے پر داڑھی رکھ لے، نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ٹوپی یا کرتا پاجامہ پہنتا ہوں، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. ان میں دین نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں دین میں ہیں. ان میں دین نہیں ہے، یہ چیزیں دین میں ہیں. یہ فرق سمجھ آیا؟ یہ چیزیں دین میں ہیں. دین فطرت ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم. اللہ نے اس کو دین قیم بتایا ہے، یعنی قائم رہنے والا دین. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے تمام تر مذاہب میں دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہی دین ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نماز یہ دین نہیں ہے، یہ دین میں ہے. نماز میں دین نہیں ہے، نماز خود دین میں ہے. روزہ، نماز، تلاوت، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب دین میں ہیں، ان میں دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دین گویا کہ وہ معاشرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. دین تین چیزوں کو سمجھا: اسلامی معاشرہ یعنی اسلامی رہن سہن، اور
इस्लामी मईशत यानी इस्लामिक इकोनॉमी, मईशत बाजार, कारोबार, दुकानें, खरीदो फरोख्त इस्लाम के कानून के मुताबिक। क्या हम इसको दीन समझते हैं? नहीं समझते। माशरा रहने सहने का अंदाज, जिंदगी के गुजारने का अंदाज, कैसा लिबास पहनना है, कैसी शक्ल बनानी है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे खुशी है, कैसे गम है, कैसे जिंदगी को गुजारना है। और इस्लामी माशरत, इस्लामी मईशत और इस्लामी सियासत, ये लफ्ज़ सियासत मैंने सबसे बाद में बताया है लेकिन ये सबसे पहले आता है। इस्लामी सियासत सबसे पहले आता है, अगर सियासत नहीं तो उस जगह इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। आप वहां इस्लाम के कानून को लागू और जारी नहीं कर सकते। और लोग कहते हैं सियासत का मौलवियत से कोई ताल्लुक नहीं। हां, उस सियासत का ताल्लुक नहीं जो आज के चोर लोग करते हैं, जो आज के मुनाफिक करते हैं, जो आज के दोगले करते हैं, जो आज के फ्रॉड करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इस्लामी सियासत, हम इस पर भी बात नहीं कर रहे, हम अभी बात करते हैं इस्लामी माशरत पर। और माशरा किससे बनता है मालूम है आपको? माशरा किससे बनता है? माशरा दो लोगों के मिलन के साथ बनता है। माशरा यानी रहने सहने की जिंदगी के तौर तरीके। और माशरे का वजूद कहां से होता है? शोहर और बीवी के मिलने से माशरे का वजूद होता है। एक मर्द और एक औरत मिलते हैं, उसके बाद औलाद वजूद में आती है, तो मां बाप का रिश्ता बनता है। सबसे पहले शोहर और बीवी का रिश्ता बनता है, उसके बाद बाप बेटे और बेटियां और मां का रिश्ता बनता है ना। उसके बाद फिर रिश्ते आगे चलते हैं। और ये जो एक फैमिली थी, अब उसके बाद जो एक फर्द वाहिद था, एक शख्स था, अब ये फैमिली में चेंज हो गया सिस्टम। उसके बाद फिर इसका खानदान होगा, उसके बाद बरादरी होगी, कबीला होगा, उसके बाद बस्ती होगी, देहात होगा, और उसके बाद फिर कुछ बड़ा शहर होगा, फिर और बड़ा शहर होगा, फिर वो सूबा होगा, और फिर वो सूबा जो स्टेट्स है, फिर उसके बाद वो मुल्क बनेंगे, और मुल्कों के बाद फिर एक दुनिया बनेगी। तो गोया के माशरती निजाम जहां से शुरू होता है वो दो, एक मर्द और एक औरत की मुलाकात से शुरू होता है। समझ रहे मेरी बात को आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद क्यों बता रहा हूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरमाया, दीन इस्लाम दीन फितरत है। ذلك الدين القيم, अल्लाह के नजदीक दीन दीन कय्यम इस्लाम है। ولكن اكثر الناس لا يعلمون, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं। अब अगर हम इस्लामी माशरे की बात करें, इस्लामी बुनियादों की बात करें, तो क्या ये मुश्किल है? बहुत आसान है, लेकिन इसको हमारी बेवकूफ़ी और हमारे पागलपन और हमारे दिखलावे और हमारी झूठी इज्जतें, इसने सबको पामाल कर दिया। इंसान की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, याद रखें, इसकी तीन बुनियादी ज़रूरियात हैं। एक ज़रूरत इसकी खाना है, अगर ये खाना इसको नहीं मिला ये भूख से मर जाएगा, याद रखें मेरी बात को। और जब ये भूखा होता है तो ये भूल जाता है कि इसको हलाल मिल रहा है या हराम मिल रहा है। अगर हलाल से इसका पेट भर जाएगा तो ये कभी भी कयामत तक हराम नहीं खाएगा। आपने चटनी से रोटी खाई और यहां तक खा ली कि अब गुंजाइश नहीं है, दूसरा आदमी आपके सामने मुर्गा रखता है कि आप खाएं, आप नहीं खा सकेंगे, और अगर आप खाएंगे तो आपको वोमिट हो जाएगी, आपको उल्टी हो जाएगी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना इंसान की बुनियादी जरूरत है। अगर ये हलाल तरीके पर नहीं मिली तो इसको हराम से पूरा करेगा, फिर ये रोटी चुराएगा,
लाजमी बात है चुराएगा। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है नींद, सोना। अगर इसकी नींद पूरी नहीं हुई तो आप देखें ये शख्स चलते चलते गिर जाएगा। एग्जाम्पल लें, जैसे आपका मोबाइल है, जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है आप लाख कोशिश करें वो स्विच ऑन हो ही नहीं सकता है, वो डेड हो जाएगा। आप जितना मर्जी चाहें उसको चलाएं, सवाल ही नहीं होता कि उसकी स्क्रीन पर आपको कुछ रोशनी नजर आ जाए। इंसान एक रात जाग सकता है, दो रात जाग सकता है, तीसरी रात में आप चाहें कि वो जाग जाए, सवाल ही नहीं होता कि वो जाग सकता है। वो इतनी नींद, इतनी चार्जिंग जरूर लेगा जिससे कि वो जिंदा रह सके। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऐसा है कि नहीं है? है ना। एक तीसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है नफसानी ख्वाहिश, यानी मर्द की औरत जरूरत है और औरत की मर्द जरूरत है। सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स, जिंसी ख्वाहिशात, ये इंसान की ऐसी जरूरत है कि अगर इसको हलाल तरीके पर पूरा करने के लिए नहीं मिलती है तो ये इनको हराम तरीके पर 101% पूरा करेगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जिन लोगों के पास फैसिलिटीज हैं, वो तवायफ खानों का रुख करेंगे, वो बाजारों औरतों की तरफ रुख करेंगे। और जिन नौजवानों की जेब में और जिन नौजवानों के पास और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो मोबाइल और इंटरनेट पर बैठकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक रिक्वायरमेंट पर बात कर रहा हूं। अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो ये गुसल खानों में और तन्हाइयों में अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद करेगा। और याद रखें, ये ऐसी खतरनाक जरूरत है, ये ऐसी मुंहजोर जरूरत है कि इंसान इसमें से दो चीजों में से एक चीज का शिकार लाजमी तौर पर होता है। अगर कोई आदमी नेकी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, तकवे के साथ जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने फरमाया हमारे पास तो इतना माल भी नहीं है, इतनी यानी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमारे पास जो पैसे होने चाहिए वो नहीं है, क्या करें। आपने फरमाया तुम रोजा रखो, रोजा तुम्हारे नफ्स को तोड़ देगा। वो जो जोश है जवानी का, वो जो ताकत के उमंगे हैं, वो कंट्रोल हो सकती हैं, है ना। फरमाया अगर जरूरत है, तुम्हारे पास इतना है कि तुम कर सकते हो, तो फौरी तौर पर निकाह कर लो, और नहीं है तो रोजे रखो, रोजे तुम्हारी उस ख्वाहिशात को तोड़ देंगे। भाई जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। वो नौजवान जो नेकी और तकवे और तहारत के साथ जिंदगी गुजारते हैं उनके एक नुकसान होता है, और जो नेकी और तकवे और तहारत के साथ जिंदगी नहीं गुजारते उनको दो नुकसान होते हैं, लेकिन नुकसान से कोई खाली नहीं है। मैं ये माशरे की बेसिक रिक्वायरमेंट पर बात कर रहा हूं, समझाना चाहता हूं मैं उन लोगों को जो मां बाप हैं, उन नौजवानों को। अगर किसी आदमी की जायज तरीके से यह जरूरत, निकाह की जो जरूरत है, औरत की जो जरूरत है, पूरी नहीं होती है तो यह गुनाह हाथों से भी करेगा, यह तवायफ खानों में भी जाएगा, और कुछ ना कुछ अगर इसने नहीं किया, यानी ये नेकी तकवे और तहारत पर जिंदगी गुजार रहा है, तो ये मेंटली डिस्टर्ब होगा। दिस इज अ फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई एनी ऑफ कॉस्ट, सवाल ही नहीं होता। ये लाजमी तौर पर ये मेंटली डिस्टर्ब होगा। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके पास गया मुलाकात के लिए, हालांकि वो बड़े नेक तबीयत आदमी थे। मैंने उनसे मालूम किया आप खैरियत हैं, हाफिज़ हैं माशाल्लाह, कारी हैं, अच्छे नेक तबीयत आदमी। कहने लगे मौलवी वैस क्या बताऊँ, बहुत परेशानी होती है, निकाह की ज़रूरत महसूस होती है और घर वालों ने इतना तबाशा किया हुआ है,
कि मैं अपनी बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा। और ये गुनाह के ख्यालात, गुनाह के तसव्वुरात, गुनाह की प्लानिंग जो मेरे जहन में चलती है, आलम यह है कि मैं इस वक्त नमाज में भी इससे बाहर नहीं आ पाता हूं। चार से पांच या छह जुमे पहले एक नौजवान, माशाल्लाह उसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, सुन्नत के मुताबिक लिबास, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाला, वो आकर मुझे कहता है मौना नमाज पढ़ता हूं। ये ख्यालात परेशान करते हैं। मैंने मालूम क्या निकाह हुआ? निकाह नहीं हुआ है। क्यों? अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए हमारे माँ बाप पर। काश अल्लाह ताला उन्हें ये अक्ल सलीम दे देता, काश उनके दिलों के वो तार बच जाते, काश वो अपनी उस जवान औलाद को जो तन्हाइयों में गुनाह करती है उसके एहसास को समझ पाते। क्या नहीं हो रहा है जी? मेरी और आपकी बच्चियां गैरों के हाथ का खिलौना बन चुकी हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम निकाह को और ज्यादा मुश्किल करें? जाओ जो मर्जी तमाशे तुम्हें करने हैं, लेकिन खुदा की कसम याद रखना, तुम्हारी नस्लें पाकीजा नहीं रह पाएंगी। और जिस नस्ल के अंदर जिना के जरासीम बढ़ जाते हैं उसमें बुस्तिल तो पैदा हो सकते हैं, बहादुर और गयूर मुसलमान पैदा नहीं हो सकते। कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं आज जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुक में आ चुकी हैं। गांव और देहात के लोगों में तो शायद कुछ शर्म हया बाकी हो, लेकिन जो मेट्रो सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां ये दीवार खत्म हो चुकी है और उन्होंने ये सोच लिया है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी है और इस सब के जिम्मेदार मैं और आप हैं। हम ये सोचते हैं कि हम उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम सवाल नहीं होता कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। आप क्या समझते हैं इन मोबाइल्स ने, इस टीवी और इंटरनेट ने आपके बच्चों को 8 से 10 साल में बालिग कर दिया है? आपके बच्चे के अंदर वो उमंगे तड़पने लगी हैं, वो तलातिम का वो जो समंदर है ना, वो अंगड़ाइयां लेने लगा है और आप अभी भी ख्वाब खरगोश में और ख्वाब गफलत में बड़े हुए हैं। और मैं और आप, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं और आप, हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे, हम सबके घर आज जिना के अड्डे बन चुके हैं। शरीफ घरों की बच्चियां मोबाइल और इंटरनेट पर और फोन के जरिए और बाहरी नौजवानों से ताल्लुक रखे हुए हैं, और अगर बाहर के नौजवान नहीं है तो घरों में रहने वाले चचाजात, फूफाजात, खालाजात और मामूजात भाइयों के साथ वो मुलव्विस हो चुके हैं। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 98% ऐसा है। और अगर तुम्हें ये सवाल, इस सवाल का जवाब चाहिए तो अपने गिरेबान में झांक करके देखिएगा कि जिस नौजवान की 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल जिंदगी हो चुकी है, क्या उसने किसी के साथ अपने जिस्म को टकराया है कि नहीं टकराया है? बड़े बड़े अमामे बांधने वाले और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वालों के दामन दागदार निकलेंगे खुदा की कसम। ये मेरा दर्द है जिसको मैं कह रहा हूं। और महंगे कीजिए निकाह, और महंगे कीजिए निकाह, ताकि आपकी औलादें बर्बाद हो जाएं, ताकि आपकी बच्चियां गैरों के हाथ का खिलौना बन जाएं, और फिर ऑर्डिनेंस लाकर कानून बनाया जाए। और हमारे बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे मां बाप तो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे की बच्ची को लेकर अपने घर में आ गया तो इसने बड़ा अच्छा काम कर लिया। बेवकूफी कर रहे हैं आप। आपके बच्चे की जो नस्ल चलनी है, आप उस लड़की को अपने घर में लेकर के आ रहे हैं जिसको दीन का कुछ पता नहीं है। आशिकी में शादियां हो रही हैं, आपकी बच्चियां गैरों के बिस्तरों को गर्म कर रही हैं खुदा की कसम। आप क्या सोचते हैं? बाहर की जिंदगी को आपने अपनी आंखों से देखा है, और याद कीजिए अगर आप नहीं सोच रहे हैं अपनी जवानी के उन अय्याम को जब आपने 18 और 15 साल के बाद अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, कि आपके दिल में किस तरह के जज्बात आते थे। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं, यहां इस मस्जिद ही में नहीं, इस मस्जिद के अतराफ में भी
باپ بھی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، اس کا بیٹا بھی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، اس کی ماں بھی مجھ سے مشورہ کرتی ہے، میں سب کے احساسات کو جانتا ہوں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم میں ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہوں، میں روایتی مولوی نہیں، میں پیسوں والا مولوی نہیں، یہ میں تقریر وقریر نہیں کرنے کے لیے بیٹھتا یہاں۔ میرے درد کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ گناہ میں ملوث نہ بھی ہوا نا، خدا کی قسم وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا۔ کتنی بچیاں ہیں آج وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں جب نوجوان بیٹھتا ہے تو فوری طور پر شیطان آتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے، اللہ کے خاص بندوں نے، بزرگوں نے فرمایا، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جن کو نکاح کی استطاعت ہے نکاح کریں، جن کے پاس نکاح کا انتظام نہیں ہے وہ روزے رکھیں، تنہائی میں بیٹھنے سے بچیں، اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائیں۔ کم سے کم دو نقصان سے ایک نقصان کی طرف تو آئیں گے۔ اور جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، اور خدا کی قسم آپ کی انگلیاں آٹومیٹک ایسی ویب سائٹس کو کلک کرتی ہیں جن کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھ سے مت پوچھئے گا، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نکاح کو اس قدر آسان بنایا، اس قدر آسان بنایا کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کتنا آسان بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا نکاح کو کہ ہر آدمی نکاح کر سکتا تھا، اور ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ آج نوجوان کو نکاح کرنے کے لیے ہزاروں جھمیلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ مہندی کی رسم، یہ فلاں کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ تنگنی کی رسم، یہ باجو کی رسم، یہ گاجو کی رسم، اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے میں 200 روپے میں کہیں جا کر زنا کر سکتا ہوں۔ 100 روپے میں آدمی زنا کر سکتا ہے، لیکن 100 روپے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو مشکل بنا ہے، اور ہم اس کو مشکل بنا رہے ہیں، اور زیادہ تر کہہ رہے ہیں، اور مشکل تر مشکل بنا رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایسے زبردست صحابی ہیں، ایسے زبردست صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت لازمی کر دی ہے۔ 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے نکاح کیا، اور نکاح ہو جانے کے کئی دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے پر یہ جو عطر لگا ہوا ہے یہ کیسا لگا ہوا ہے؟ وہ جا رہے تھے، جلدی تھی ان کو جانے کی۔ آپ نے پوچھا، عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ عطر جو لگا ہوا ہے، جو رنگ پیلا پیلا نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی میں نے جو ہے نکاح کر لیا ہے، میری بیوی انتظار کر رہی ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، کام سے فارغ ہونے کے بعد چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، دوستوں میں گپے لڑاتے ہیں، وہ بیوی بیچاری پڑی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، کہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی ہو سکتا تھا؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کائنات میں کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا ہے، اور آپ اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اولی ولو بشاتن، ارے ولیمہ تو کر لیتے چاہے ایک بکری کہیں ہوتا،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना निकाह किया लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट नहीं किया है, आपको दावत नहीं दी है। आज के जमाने में मुझे बताएं किसी का किसी अल्लाह वाले से, किसी बुजुर्ग से, किसी नेक आलिम से कोई ताल्लुक है, वह हर कीमत पर यह चाहता है कि मेरा निकाह फला पढ़ाए और मेरा निकाह फला के जरिए हो और फला मेरे निकाह में शिरकत जरूर करे, चाहे कुछ भी करना करे, उसको करने को तैयार होता है। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला तक भी नहीं दी और अपने निकाह कर लिया। इस तरह सादगी से बताइए मेरे और आपके लिए हो सकता था? कैसी सादगी के साथ निकाह फरमाया है आप अलैहिस्सलाम ने, फरमाया औलू वलौ बिशातिन वलीमा, कीजिए चाहे एक बकरी हो। और निकाह कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सी चीज बता दे रहा हूं। एक मर्द और एक औरत दोनों बैठ जाएं और दो लोगों को अपने सामने रखें और औरत यह कहे कि मैंने अपने आप को इस शख्स के निकाह में इतने मेहर के इवज दिया, कम से कम 3 तोला चांदी होनी चाहिए। 3 तोला चांदी कितने की होती है? 600 रुपए अगर है, 500 रुपए तो 1500 रुपए की हो जाएगी ना, नहीं 1500 रुपए की हो जाएगी। और वो आदमी ये कहे कि मैंने तुझे इसके इवज अपने निकाह में कबूल किया, निकाह हो गया, मौलवी साहब को बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे भी बुलाने की जरूरत नहीं, मैं पैसों के लिए तो निकाह विकाह के लिए जाता नहीं और खुतबा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। खुतबे का पढ़ना सुन्नत है, ईजाब व कबूल असल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिनु हादन निकाह, कि ये जो निकाह इनका ऐलान करो, वजालूहु फिल मसाज, और मस्जिदों में निकाह को आम करो, मस्जिदों में निकाह पढ़ना इसको अपने ऊपर लाजिम करो। और ये ठीक इसी तरह हो कि एक आदमी आया निकाह के लिए, यहां बैठा कि मेरा निकाह होना है, ठीक है जी, आपने ऐलान कर दिया नमाज के बाद फला शख्स का निकाह होना है, उसका निकाह हुआ, वो अपने घर चला गया, जैसे नमाज पढ़ने के लिए आए थे वैसे अपने घर चले जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह आसान फरमाया कि एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिश्ता आया, एक औरत ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आपके निकाह में देना चाहती हूँ। आपने फरमाया मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता। वो सहाबी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी क्या मेरा इस औरत से आप निकाह करा देंगे? आपने फरमाया हाँ करा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे? तुम्हारे पास कुछ मौजूद है सोने की चीज? कहा मेरे पास तो सोने की कोई चीज नहीं है। आपने फरमाया फिर चांदी की कोई चीज होगी? फरमाया वो भी कुछ नहीं है। आपने पूछा फिर लोहे की कोई चीज होगी जो मेहर में तुम दे सको? कहा वो भी मेरे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया जा यार अपने घर जाकर के देख कर आ जा, तलाश करके आ जा। वो सहाबी गए उठकर, घर पर कुछ था ही नहीं तो आ गए वापस। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फरमाया भाई निकाह किस चीज पर करेगा तू, मेहर में क्या देगा? यहां तो लोग भी मेहर भी निकल जाते हैं लोग बीवियों का। आपने पूछा भाई मेहर में क्या देगा? वो साहब भी बड़ा सीधा साधा, बड़ा भोला भाला, हमारी तरह फ्रॉडी नहीं, जो दीन में तो बड़े भोले भाले हैं, वो नमाज भी नहीं आती। यहां बैठे लोगों को पूछो 70-70 साल हो गए, पूरी नमाज अगर तर्जमे से सुनाओ तो शायद ही कोई सुना सके, अल्लाह रहम फरमाए। आपने पूछा भाई क्या हुआ? क्या लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये एक लुंगी है जो मैंने बांध रखी है, इसको आप मेरे महर में, उसके महर में बांध दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदे जब लुंगी उसे दे देगा तो तेरे पास क्या रह जाएगा? जब लुंगी उसे दे देगा तो तेरे पास क्या रह जाएगा? वो बेचारा गरीब सा आदमी, उसने सोचा भाई अपना तो निकाह हो नहीं सकता है, अपने तो रोजे ही जो है रख के काम चलाना पड़ेगा। वो बेचारा उठा, कहने लगे चलो जी ठीक है, नहीं होता है तो चलते हैं। वो बेचारा चलने लगा, वो वहां पहुंचा, आप अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी, फरमाया सुनो 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 इधर आओ, तुम्हें कुरान करीम की कुछ आयात याद है? उन्होंने कहा हाँ मुझे फला सूरत याद है, फला आयत याद है, फला सूरत याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तेरी बीवी का महर ये सूरतें और ये आयतें बांध दी, जा तू ये उसको सिखा देना और तेरा महर अदा हो जाएगा और वो औरत आज से तेरे निकाह में है। बताएं इसमें कोई हल बैल है? जिना करने के लिए तो फिर भी आदमी को मशक्कत उठानी पड़ेगी, वहां जाएगा कोई देख ना ले, इज्जत ना खराब हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपने इस तरह ने कहा फरमाया, इससे ज्यादा और क्या आसान हो सकता है? हम वलीमे के नाम पर, वलीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया, अपनी एक बीवी का वलीमा पता है किस तरह किया? हमारे यहां तो लोग वलीमा इस तरह करते हैं कि दूसरा कोई गरीब कोई आदमी आ ही ना सके। आका ने फरमाया जिस वलीमे में कोई गरीब आदमी शरीक नहीं होता वो वलीमा मरदूद है,
हमारे तो लिस्ट बनाई जाती है भाई, जिसने हमें दावत दी थी ना उसी को दावत देंगे, है ना। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, बस बात खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक अहलिया का निकाह किया एक बीवी से। उसके बाद वलीमा पता है क्या था? वलीमा क्या था? बाद सहाबा के वलीमे तो एक मुट्ठी खजूर से भी हुए हैं। एक मुट्ठी खजूर थी, ये मेरा वलीमा है, खाओ अपने घर जाओ। एक सहाबिया, एक अजवाज मुतहरात में से एक बीवी हैं, आपने उनका वलीमा 1 किलो 575 ग्राम जो के साथ उनका वलीमा फरमाया है। कितना? 1 किलो 575 ग्राम। कितना होता है? 1.25 किलो भी नहीं है। सदकतुल फित्र जो होता है, उस जो के साथ आपने अपनी बीवी का निकाह करने के बाद आपने खुद अपना वलीमा इस तरह किया है। अब मुझे बताओ, निकाह आसान है या मुश्किल है? जब तक निकाह को आसान नहीं बनाओगे, खुदा की कसम, तुम्हारी औलादें और नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। और भूल जाइए ये बात कि लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ एक बात कहेंगे, फिर कहता हूं, मर गया मरदूद, फातिहा ना दुरूद। लोग ये कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चला गया, चलो ठीक है। कोई अच्छा आदमी होगा तो कोई पढ़ के उठा करके सवाल है, इसाले सवाब कर देगा, वरना तो किसी को जरूरत होती नहीं है। लोग हमेशा कहते आए हैं और कहते रहेंगे, दीन फितरत दीन इस्लाम है, इसलिए फितरत के इस तकाजे को शरीयत के मुताबिक पूरा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया से निकाह किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा पता है किस तरह फरमाया था? आपने फरमाया, भाई ठीक है, दस्तरखान बिछाओ और मेरे पास ये चीज है, खजूरें, सत्तू वगैरह, पनीर वगैरह था, जो कुछ था। आपने फरमाया, जिसके पास जो भी है वो सब लेकर के आ जाओ। और सारे सहाबा लेकर के आए, आपने एक बर्तन में डाल के उसका मलीदा बना दिया और फरमाया, ये तुम्हारे नबी का वलीमा है, खाओ और मजे लो। बताओ, इससे ज्यादा कुछ आसान हो सकता है? लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगी। समझ आई किसी को? समझ आई नहीं? शायद नौजवानों को समझ आ गई हो। वो कहे, ये मौली साहब अच्छा है, हमारा निकाह तो कम से कम इसने आसान कर दिया। लेकिन बूढ़े लोगों को समझ नहीं आएंगी। क्यों? बीवियों के गुलाम बन चुके हैं, बीवियों के। मेरी बात बुरी तो लगेगी, बीवियों के गुलाम बन चुके हैं लोग। अरे जितनी बीवियों की बात मानते हो, इतनी अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लो ना, तो विलायत कामिला मिल जाएगी, लोग तुम्हारी जूतियां उठाने को तैयार हो जाएंगे। अल्लाह करे ये हमारे बाप दादों को, ये हमारे बुजुर्गों को और हमारे बड़ों को, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे।